देखिए हमारे ये कहना है कि जब तक आप जिम्मेदार लोगों से नहीं कहेंगे आपको जो है काम नहीं होता। अब जहाँ जाओ किसी के दफ्तर में कोई मिलता है नहीं मिलता, ये साहब अभी हम कह रहे थे कि हम अपनी पेंशन के लिए गए थे, पैसे आए नहीं, हमें वहाँ से भगा दिया। अभी RW के सदर ये शाकिर साहब भी थे, इन्होंने भी पर्ची दी थी भाई खान मुझे ताबून करा है, मुझे पर्ची दी है और मैं ये सामने ये दे के आ रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको ज़्यादा खैर दे, मेरी तरफ इन्होंने देखा अल्लाह ताला इनकी तरफ देखेगा। हमारे साथ कोई भी ताबून नहीं कर दिया। इम्तिहान के जाओ तो वहाँ पे जाकर जाने लगी नहीं है, घर के लिए अपना काम का हम आ जाते हैं वहाँ पे, हमें कुछ नहीं क्या करते इससे मीडिया या इनका अल्लाह ताला इनका भला करे। शाकिर साहब का इन्होंने क्या करते समझा, अल्लाह ताला इनको जगाए खैर दे। अभी इन्होंने भाई को दिया और एक कश्मीरी भाई कह रहे थे कि हमारे पास भी कोई नहीं पहुंच पा रहा। शाकिर भाई ने उन्हें भी पर्ची दी और कहा कि आप जो पकावा लेना चाहें जैसे भी लेना चाहें वो भी लेने गए, ये भाई लेकर आ गए। शाकिर भाई लोग दे इसी तरह से लोगों की खिदमत हो रही है और खिदमत करने के लिए आपने जो भीड़ उठाया इसमें इसका सिला आपको अल्लाह दे। ये हमारा इंसानी जज्बा है, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से जो है इस सोती हुई गवर्नमेंट को ये जगाना चाहूंगा कि ये एक आदमी के करने से या दो आदमियों के करने से या दो तंजीमों के करने से या 20 तंजीमों के करने से मसला हल होने वाला नहीं है। ये मसला बहुत पेचीदा है और बहुत बड़ा है, इसमें हमारी सरकार को हमारे अथॉरिटीज को आगे आना चाहिए और आकर के उनको जो है अमली तौर के ऊपर गरीबों के घर पर पहुँच करके उनकी पूरी करनी चाहिए ज़रूरत। मैं आपके माध्यम से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके खाली और खाली फोटो खिंचवा करके देते हुए न काम करें, अमली तौर के ऊपर ज़मीनी सतह पर आकर के काम करें, लोगों के घर घर पहुँचें। गरीब इस वक्त मर रहा है, ना मालूम मेरे पास कितनी फैमिली ऐसी आ चुकी जो ये कहती है कि जी हमारे पास 4 दिन से एक दाना नहीं है। अफसोस होता है हमें इंसानियत के ऊपर, अपने ऊपर अफसोस होता है कि हम 4 दिन रोटी खा करके सोए, ये हमारा भाई जो है 4 दिन से भूखा सो रहा है। अभी देखा है कश्मीरी भाई ने कहा कि हमारे पास 3-4 दिन से बच्चों के लिए दूध नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बीमार लोगों के लिए दवा नहीं है। मैंने सारे मेट्रो में मेडिकल सेंटर है मेरे बराबर में, मैंने उनको खुली छूट दी दी है कि इलाके का कोई भी बीमार आदमी अगर आपके पास आता है और वो ये कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है मुझे दवा चाहिए, आप उसको दवा दीजिए, पर्ची आप मुझे दे दीजिए, मुझसे कैश ले लीजिए, ठीक है। हमने हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि हमारे करने से ये हल होने वाला नहीं है। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम जितना कर सकते हैं इतना कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ को आगे आना चाहिए, वो रख करके अपने घरों में ना बैठें, जो पब्लिक के लिए निकल रहा है वो पब्लिक को मिलना चाहिए, बिल्कुल वो पब्लिक को नहीं मिल रहा आज तक। देखिए इनका ये कहना है कि अथॉरिटी को आगे आना चाहिए और घर घर जाकर देना चाहिए, जिसको मिलना है उसको पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा, हम कर नहीं सकते, छोटे छोटे लोग हैं। लेकिन जो सरकार इसमें करेगी तो सरकार करेगी, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मामला है। ये जो फर्दन लोग ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं इनकी लिस्ट बनाते हैं और उसके साथ ये जाते हैं, हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये लोग जो हैं किस कहाँ से हैं। भाई आपका नाम? नियाज़ुद्दीन भाई, ये जो आप सामान लाए हैं तो ये गरीब गुरबा में मजदूरों में जो दे रहे हैं तो ये किस तरह से आप देते हैं? ये अलजवार रेस्टोरेंट वालों की तरफ से, अकरम भाई की तरफ से, और ये लोग अपने नाम लिखवा देते हैं पहले, फिर हम उतना ही पैकेट ला के इनको दे देते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे हैं जो इनको पता नहीं होता है जैसे, तो अब जैसे हमें किसी को नहीं मालूम तो उनको किस तरह से पता चलेगा? जो आपके इलाके के ज़िम्मेदार हैं, आपकी गली के ज़िम्मेदार हैं, आप उनको अपना नाम लिखवाइए। जैसे कठा बाबर बैग के बाहर है, ये उन लोगों के जो नाम लिखे हुए उन्हें ये नहीं, इसमें लाल कुएं तक के हैं, लाल कुएं तक के अपराध खाने से भी आ रहे हैं लोग, तो हम यहाँ खड़े हुए लेकिन यहीं आ रहे हैं सब लेने। देख सकते हैं ये लोगों की जो मदद कर रहे हैं इस सिलसिले में, जो लोग ज़िम्मेदार हैं लाल कुएं पे से, फराश खाने से, जामा मस्जिद, जो भी ज़िम्मेदार हैं इन लोगों की लिस्ट बनाई जाती है और जो लोग होते हैं उनकी लिस्ट बनाकर उनके ज़िम्मेदार देते हैं और ये भाई वहाँ से लाते हैं और सबको घर घर पहुँचा कर जाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, इस मुसीबत के टाइम में सब एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है इसमें सारे लोग जो मुतासर हों, खासकर गरीब तबका वो मुतासर हुआ है, जिस सिलसिले में जो मज़दूर तबका है, गरीब है, जो किसी से कह नहीं सकते, ये लोग उनकी बेलोस खिदमत कर रहे हैं और इनका अजर इनको ज़रूर मिलेगा। और ये लोग जो हैं इसी तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं फर्दन लोग आ रहे हैं, इनकी जो लिस्ट इनके पास होती है उसके हिसाब से पैकेट लाते हैं और ये उनको देते हैं। और आज अपील करना चाहेंगे कुछ किसी का अगर होगा? नहीं, जो भी है अपना अपनी गली के ज़िम्मेदार इनको अपना नाम बता दें
वो हमें कॉल कर देते हैं कि हमारी गली में इतने आदमी हैं ज़रूरतमंद, तो हम उतना करते हैं। इनका यह कहना है कि इनके जो जिम्मेदार गली के हैं वो हमें उनकी लिस्ट बनाकर कॉल कर दें कि इतने लोग हैं, हम उसी हिसाब से उतने किटें लाते हैं और इन लोगों को दे देते हैं। क्या नाम है? किसी और को लिखवा दो से? आप ये देख सकते हैं जो ज़रूरतमंदों को राशन दिया जा रहा है उस सिलसिले में इनके हाथ में लिस्ट है और ये इन लोगों को फर्दन फर्दन दे रहे हैं। ये खिदमत खल्क भी है और इसमें लोग अपने आ रहे हैं। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।